हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग फेनॉल का इंट्रोडक्शन, फेनॉल का प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुके हैं। अब हम लोग उसके केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। यानी फेनॉल चैप्टर बड़ी नीट, जेई और बोर्ड के दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टी। यानी आज हम लोग किसका स्टडी करेंगे इसमें, फेनॉल में, फेनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी का। तो हम लोग सबसे पहले इसमें हेडिंग दे देंगे आज, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल। ये हम लोग आज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे आज एसिडिक नेचर। पहला जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, एसिडिक नेचर देखेंगे। एसिडिक नेचर यानी फेनॉल का एसिडिक नेचर देखेंगे। फेनॉल एसिडिक होता है कि नहीं, तो फेनॉल एसिडिक नेचर का होता है लेकिन वीक एसिड होता है। तो फेनॉल इज ए वीक एसिड, फेनॉल इज ए वीक एसिड, वीक एसिड। फेनॉल क्या होता है, वीक एसिड होता है। और इसका जो एसिडिक नेचर होता है वो एक्सप्लेन करता है कौन, रेजोनेंस। एसिडिक नेचर ऑफ, एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस कैसे एक्सप्लेन करता है तो देखते हैं हम लोग। यहां पे ये हो गया हमारा फेनॉल, ये क्या हो गया हमारा, फेनॉल हो गया OH। इसको हम लोग वाटर में इंट्रोड्यूस किए और ये क्या दे देगा, देखें आप, H+OH-। यानी हम लोग के पास इसका H रिलीज हो जाएगा, इसका फेनॉल का, और O पे माइनस हो जाएगा। और इसका H+, जो अपना H+ डोनेट किया, एसिडिक नेचर में किया, अपना H+ डोनेट करना, और ये उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसके पास लोन पेयर था, तो H3O पे प्लस हो जाएगा। तो इसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। आयन और ये हो गया फेनोऑक्साइड आयन, फेनोऑक्साइड आयन। तो ये इसी कारण स्टेबल है, यानी फेनोऑक्साइड आयन इज, फेनोऑक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। किस कारण ये स्टेबल है, तो रेजोनेंस के कारण क्या है, ये स्टेबल है। देख लें आप इधर, तो फेनॉल वीक एसिड है और इसके भी जो वीक होता है उसको कौन एक्सप्लेन करता है, रेजोनेंस एक्सप्लेन करता है। ये दूसरा कुछ और चीज है जो एरो दे दे के हम लोग लिख सकते हैं, एरो देकर। जैसे यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं फेनॉल के बारे में, फेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल, देन एल्कोहल बट वीकर देन, वीकर देन कार्बोजिलिक एसिड एसिड एंड इवेन कार्बोनिक एसिड। यानी कार्बोजिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड दोनों के कारण, आप यहां पे देखें, फेनॉल स्ट्रॉन्गर होता है किससे, एल्कोहल से, बट वीकर किससे होता है, कार्बोजिलिक और कार्बोनिक एसिड से। यहां पे आप ध्यान दें। फिर नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं,
जैसे ये फेनॉल का तुलना हो गया, अब फेनॉल के बारे में कुछ और जानकारी लिख सकते हैं, जैसे फेनॉल इज द एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग अब क्या क्या देखेंगे इसमें, देखेंगे ये थोड़ा सा समझेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। अब इसको क्या समझेंगे, एक में हम लोग एक में क्या देखेंगे, यानी यहां पे देखें द एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग क्या क्या। तो फेनॉल क्या करता है, फेनॉल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। पहला काम क्या करता है, इसको निम्नलिखित आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि फेनॉल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, ये याद रखेंगे, तो फेनॉल एसिडिक हो गया। दूसरा काम क्या करता है, फेनॉल एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है, दूसरा काम क्या करता है ये भी देखते हैं, फेनॉल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल। फेनॉल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, मतलब कि यहां देखें आप फेनॉल है ये OH प्लस N, एक्टिव मेटल में सोडियम या पोटेशियम कुछ भी हो सकता है, K या N दोनों ले सकते हैं। Na क्या करेगा, इस H को रिप्लेस कर देगा, H यहां से रिलीज हो जाएगा, H हटेगा और Na आ जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा आप देखें, ONa प्लस जो H निकला H2 के फॉर्म में निकलेगा, तो हाफ H2। ये देखें H2 इसलिए कि एक H निकला और ये 2-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा H, यानी 2-2 ये कैंसिल, तो एक ही H है लेकिन H2 के फॉर्म में, तो हाफ लिख दिए हैं तो H होगा। तो ये क्या हो गया, सोडियम फेनोऑक्साइड। तो ये आप देखें इससे एक्टिव मेटल से रिएक्शन कर लिया, अगर यहां पे K रहता तो O K हो जाता। उसी तरह तीसरा आप देखें यहाँ पे तीसरा क्या कंडीशन है, जैसे ये हम देखें एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, एक्टिव मेटल से रिएक्ट कर गया। तीसरा देखेंगे स्ट्रॉन्ग अल्कली से रिएक्शन कर जाएगा, फेनॉल रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग अल्कली, मतलब NaOH हुआ, KOH हुआ, NaOH हुआ, उससे रिएक्शन कर जाता है। देखें आप फेनॉल का एसिडिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, OH प्लस NaOH, फिर वही Na इसकी जगह आएगा, H हटेगा, H और OH, Na प्लस में और OH माइनस में, और ये H प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो H2O निकल जाएगा, और Na प्लस इस O माइनस पे, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल फेनोऑक्साइड आयन बन जाएगा ONa प्लस H2O, फिर यहीं पे फेनोऑक्साइड आयन भी बन जाएगा, Na प्लस निकलेगा तो फेनोऑक्साइड आयन, या सोडियम फेनोऑक्साइड नाम हो गया, Na प्लस निकलेगा तो इससे भी रिएक्शन कर लेगा। तीसरा देखें, तीसरा एक और कंडीशन हो सकता है, चौथा 1-3 यहां हो गया, तो चौथा एक और कंडीशन हो सकता है, चौथा क्या होगा, ये रिएक्ट नहीं करता है किससे, इसको हटाते हैं तो आपको बताते हैं, ये रिएक्ट नहीं करता है फेनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ
Na2CO3 एंड NaHCO3 ड्यू टू रीजन ड्यू टू वीकर एसिड देन कार्बोजेलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ये खुद फेनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड कहते हैं, तो कार्बोलिक एसिड या इन फेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद Na2CO3, इससे नहीं करता है और इससे भी नहीं करता है, क्योंकि जब इससे करेगा तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। जब भी इससे रिएक्शन करेगा फेनॉल तो रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन कार्बोजेलिक एसिड करता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यही डिफरेंट है। इसलिए रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्शन डायरेक्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब कार्बोनिक एसिड का देखें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल करके देखें, हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे, जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रेटर होता है किससे, एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रेटर किससे, फेनॉल से। ये फेनॉल है, तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, और ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया तो इसको हम लोग तोड़ के स्टेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। इसके एच को निकाल के इसका स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, तो ये क्या हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ, ये हो गया हम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये जब इससे H प्लस निकलेगा, यहां पे देखें H प्लस सब में निकला, इसमें भी H प्लस निकला और इसमें भी H प्लस निकला। इसको समझे थोड़ा सा, ये तो यहां तक देख लिए आसान था, OH यहां पे आया H2O निकल गया और Na यहां के जुड़ जाए फेनोक्साइड आयन बन गया। यहां पे क्या होगा इसको देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O OH यहां पे जैसे ही निकलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, CH3 C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस, चूंकि H निकल गया। अब यहाँ पे क्या बना, OH तो बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा और O पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा O पे माइनस। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, अभी तक क्या देख रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी अब देख लेते हैं इसका, स्टेबिलिटी कौन सा ज्यादा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा साइड में तो यहां एसिडिक स्ट्रेंथ लिखे हैं और ये स्टेबिलिटी लिखे हैं, इसको आप चेक कर लेंगे। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है इससे और इससे, ये दोनों क्यों ज्यादा स्टेबल है इसके रीजन जाने। यहां रेजोनेंस हो रहा है लेकिन कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस है लेकिन कम, और इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेकिन जितना है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हम लोग यहां पे लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाम से रेजोनेंस, और ये नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो यहां पे जितना हुआ है सब इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहां पे नॉन इक्विवेलेंट, इसीलिए इसका ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हुए भी इससे कम स्टेबल है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये ज्यादा होगा और ये कम, तो ये हम लोग यहाँ पे देखें। अब इसको इसके एसिडिक नेचर को देखें, थोड़ा और एसिडिक नेचर देख सकते हैं, जैसे इससे रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे देखेंगे NaHCO3 से नहीं करता है, डिकम्पोज नहीं करता है, लेकिन तोड़ेगा तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ये रिवर्स कर जाएगा। लेकिन यही अगर
कार्बोजिलिक एसिड इससे रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, रिवर्स नहीं रहेगा। इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको हटाते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे, फिर इसका हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू बेंज ओएच ग्रुप। अभी तक किसका रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, ओएच ग्रुप के साथ देख रहे हैं। ये सब हम लोग ओएच ग्रुप के साथ देख रहे हैं रिएक्शन। अब जैसे देखें यहां पे देख ले, नेक्स्ट इसी में देख लिया, फिर हम लोग देखें यहां पे, अगर C6H5OH ये हमारा फेनॉल हो गया, NaHCO3 से रिएक्शन किया और ये देखें क्या हो जाएगा। तो अगर यहां पे शिफ्ट किया C6H5ONa प्लस Na इसके पास चला गया, H इसके पास आ गया, तो H2CO3 ये एसिड A है, एसिड फर्स्ट, बेस फर्स्ट, बेस सेकंड, एसिड सेकंड। तो ये जो रिएक्शन करेगा, ये देखें आप, इसमें क्या होगा, रिएक्शन जो हो जाएगा वो रिवर्स कर गया, रिएक्शन इज रिवर्स डायरेक्शन। रिएक्शन कौन सा हो गया, रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। अगर यही इसी के जगह, अगर आप देखें इसी की जगह अगर वो रहे CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस NaHCO3 तो क्या हो जाएगा, CH3 तो होगा C डबल बॉन्ड OONA प्लस H2CO3, सेम कंडीशन, एसिड बेस, बेस टू एसिड, और ये कैसा डायरेक्शन हो जाएगा, रिएक्शन इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसीलिए जब ये रिएक्शन करता है कार्बोजिलिक एसिड तो क्या देता है, ये कार्बोजिलिक एसिड रिएक्शन करके दे देता है आपको, आगे की तरफ बढ़ाता है और ये बैक खींच लेता है, इसीलिए रिएक्शन नहीं करता है। तो ये रिएक्शन करके इफर्वेसेंस ऑफ H2 देता है, सबसे VVI टर्म। आप यहाँ पे देखें सबसे VVI, थोड़ा याद रखेंगे इसको, ये टेस्ट हो गया, टेस्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, कार्बोजेलिक एसिड एसिड रिएक्ट विथ NaHCO3 या Na2CO3 गिव इफर्वेसेंस ऑफ H2, यानी टेस्ट ऑफ एसिड का टेस्ट दे दिए, अगर इससे रिएक्शन करता है तो एसिड से एसिड का टेस्ट हो गया। तो ये था एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल। तो फेनॉल के एसिडिक नेचर कैसे पहचाने, ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, एक्टिव मेटल से रिएक्ट कर गया या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्ट कर गया, NaHCO3 और Na2CO3 से रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये वीकर एसिड होता है किससे, कार्बोजेलिक और कार्बोनिक से। वो हम लोग यहाँ पे देखे कार्बोजेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3 और CH3COH और OH एसिडिक स्ट्रेंथ, और ठीक जैसे हम यहाँ पे क्या देखें H+, तो ये फिर हम लोग का ये, तो जैसे ये H+ निकला तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो गया इससे, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, इसका कम है, फिर भी ये ज्यादा स्टेबल इसलिए है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ भी देखें,
तो ये टेस्ट हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि जब इससे रिएक्ट करता है तो इफरवेसेंस ऑफ H2 का एक स्मेल देता है जो टेस्ट ऑफ एसिड है, कार्बोजिलिक एसिड। अब हम लोग इसको हटाते हैं, अब हम लोग इस आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, दूसरा। हम लोग ये क्या चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, हम लोग चल रहे हैं क्या रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप ऑफ फेनॉल, ये हम लोग चल रहे हैं। तो ये हम लोग पहला एसिडिक देख लिए, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप ऑफ फेनॉल में हम लोग पहला देख लिए क्या एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख रहे हो मेरे साथ तो लिखे। अब हम इसको हटाते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। आप इसको हटाते हैं, हम इधर से हटाते हैं, इधर लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जो इसमें आया है, जैसे PCl5 ZN NH2 एल्काइलेशन एसाइलेशन P2S5, ये सब हम लोग इसका देखेंगे। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो ये हम लोग हटा लिए यहाँ पे। अब हम लोग लिखने वाले हैं ये भी हटा देते हैं। ओहो, इसको नहीं भी हटाते तो काम जाए। अब देखते हैं फेनॉल मिट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, फेनॉल लिख देते हैं। रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप ऑफ फेनॉल, फेनॉल। अब इसमें दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन विथ PCl5, इसको देखें PCl5 को। तो PCl5 को पहले तोड़ लेते हैं, यहां पे देखें इधर PCl, CL, 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 CL और Cl, इसको तोड़ लेते हैं हम लोग पहले ही। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे हो जाएगा माइनस और इस पे हो जाएगा प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, याद रखें ये। अब यहाँ पे फेनॉल है तो पहले इसके बारे में लिखेंगे, फेनॉल का लिखेंगे रिएक्शन पहले, फिर समझाएंगे आपको। देखें यहाँ पे ये फेनॉल हो गया आपका, दिख रहा होगा फेनॉल। तो फेनॉल पहले अगर रिएक्शन करता है PCl5 से, तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो बहुत कम बनाता है, स्टेबल नहीं बनाता है। जबकि यह रिएक्शन जब हम लोग पढ़े थे एल्काइल हैलाइड में तो वहां पे डायरेक्ट रिएक्शन यही था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा। तो अभी आप देखें इधर, यहाँ पे देखेंगे समझेंगे O और H, तो यहाँ जब टूटा तो इस पे क्या हो जाएगा, आप देखें इधर माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और इस पे प्लस, एक Cl इस पे आ गया, एक Cl H के साथ चला गया, H H देख लिए, और ये O यहां पे आ गया माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा POCl3। लेकिन ये प्रोडक्ट मेन नहीं बनता है, पहले आप देख लें इधर, ये हमारा हो गया फेनॉल और ये हो गया हमारा यहाँ पे Cl प्लस POCl3, POCl3 प्लस HCl, तो ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, जबकि ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, क्लोरोबेंजीन। इससे फेनॉल रिएक्ट करके ये कम बनाता है, लेकिन फिर फेनॉल इससे रिएक्ट कर लेता है, और फेनॉल इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आप देखें ये थ्री अमाउंट में OH प्लस POCl3। अब ये जो बनाता है ये थ्री Cl, देखें इधर थ्री H के साथ, कितना H है यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा आगे तीन है तो तीन H होगा, थ्री HCl बाहर
और थ्री ऑक्सीजन है यानी PO4, एक यहाँ पे और थ्री यहाँ पे, तो ये बना लेता है ऐसा स्ट्रक्चर फेनाइल। ये तो बनेगा ही बनेगा, देखें इधर फेनाइल ये हो गया हमारा थ्री, तीन है तो कितना हो जाएगा थ्री, और PO4 PO4 प्लस 3Cl 3H, थ्री थ्री एच देखें थ्री सी एल तो कितना हो जाएगा 3HCl। तो क्या हो गया इसका नाम क्या हो गया, ट्राई फेनाइल फॉस्फेट। ट्राई फेनाइल फॉस्फेट बना, ये भी बना ये भी बना, लेकिन मेनली प्रोडक्ट कौन हुआ ये। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, फेनॉल रिएक्ट विथ या रिएक्शन विथ PCl5 टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बट द यील्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन बेंजीन इज पुअर, क्लोरोबेंजीन इज पुअर मेनली ट्राई फेनाइल फॉस्फेट इज फॉर्म मेनली क्या बनता है, ट्राई फेनाइल फॉस्फेट बनता है। तो ये हम लोग यहां पे देखेंगे ट्राई फेनाइल फॉस्फेट, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। तो पहला क्या समझे, PCl5, पहला हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देखे, दूसरा PCl5 देख रहे हैं। तो PCl5 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ट्राई फेनाइल फॉस्फेट ना कि क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये बनेगा बहुत कम, पुअर, मेनली क्या बनेगा, ट्राई फेनाइल फॉस्फेट। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ जिंक जिंक। तो जिंक से रिएक्शन हम लोग को देखना है, तो जिंक के साथ जब रिएक्शन ZN के साथ करेगा तो क्या बनाएगा देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहां पे देखते हैं, ये हमारा फेनॉल क्या हो गया, फेनॉल, और ये डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, जिंक डस्ट ZN डस्ट, ये हमारा जो रिएक्शन है डीऑक्सीजनेशन। कैसा रिएक्शन है, डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन है। तो डीऑक्सीजनेशन का अर्थ क्या समझे, जेड एन इसको पकड़ लेगा ऑक्सीजन को, जेड एन ओ बाहर और एच यहीं पे रहेगा, तो रिएक्शन में कैसा प्रोडक्ट बनेगा। और ये VVI है, ये आपको याद रखना है बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, ये दोनों के लिए याद रखना पड़ेगा आपको। जिंक के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना लिया, एच प्लस जिंक ऑक्साइड, तो फेनॉल है ये, फेनॉल लिखे फेनॉल, और यहां पे हो गया बेंजीन। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछा जाता है, कन्वर्ट फेनॉल इनटू बेंजीन, और एंट्रेंस में भी ये रिएक्शन देके पूछेगा, पहले फेनॉल दे देगा फिर जिंक दे देगा फिर इसका ऑक्सीडेशन देके ए और बी प्रोडक्ट पूछ लेगा। हम एक एक करके क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोग को, पहले हम लोग तो ये मेन जो थ्योरी है इस पोर्शन को समाप्त करें, फिर इससे हम लोग इससे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। तो फेनॉल का जेड एन डस्ट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन, जिंक ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और बना लेगा ZNO। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन
इसको हम हटाते हैं। ये जो रिएक्शन होगा कहीं कहीं नोट करते चलिएगा कॉपी के ऊपर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर, रिएक्शन विद NH3। अब ये क्या देगा NH3, इसको देखते हैं क्या देगा हम लोग रिएक्शन में, इसको देखते हैं। तो जब ये रिएक्ट करेगा, देखिए यहां पे फेनॉल, यहां पे हमारा OH प्लस, जब NH3 से रिएक्ट करेगा और ये ZnCl2 के उपस्थिति में करेगा, तो NH3 देखें NH2, आप यहां पे देखें NH2, ये टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस, फिर उसी तरह इसको तोड़ ले, ये बॉन्ड जब यहां पे टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, तो क्या बन जाएगा, यहां देखें, हम रुकते हैं एक मिनट, फिर आप देखें क्या बनाते हैं, OH और H, H2O, NH2 जाएगा इस कार्बन के पास जुड़ जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, एरोमेटिक एमीन, NH2 प्लस H2, इसी को तो एनिलीन कहते हैं, एनिलीन यानी एरोमेटिक एमीन। अब हम लोग ये देखें, नेक्स्ट देखते हैं फाइव नंबर में, रिएक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3। तो FeCl3 के साथ वायलेट कॉम्प्लेक्स कलर देता है जो अल्कोहल से डिफरेंट करता है, एरोमेटिक और एलिफैटिक अल्कोहल को डिफरेंट देता है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। OH अगर ये न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनाता है, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है OH न्यूट्रल FeCl3 के साथ। तो आप देखेंगे कि ये क्या होता है, ये मार्कर मेरा गिरा है, उठा के दो थोड़ा। अब आप देखेंगे इसका, अब इसको हटाते हैं, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहां पे सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर में हम लोग देखेंगे, आप देखें इधर न्यूट्रल FeCl के, अब एल्काइलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं, एल्काइलेशन का अर्थ हम लोग यही जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, जुट जाएगा, तो उसको एल्काइलेशन कहते हैं। जैसे यहां पे देखें हम लोग एल्काइलेशन में फेनॉल, आप देखें इधर OH प्लस CH3Cl, तो ये क्या होगा एल्काइलेशन में, Cl और H हमेशा एल्काइल ग्रुप जुट जाएगा, तो Cl और H, HCl बाहर, HCl बाहर होगा और ये देखें HCl बाहर और CH3 क्या करेगा, आके जुट जाएगा यहाँ पे H प्लस Cl माइनस, तो CH3 प्लस O माइनस जुट जाएगा, तो एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जुट गया OCH3, तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड बन गया हम लोग का ईथर। अब एसाइलेशन भी हम लोग देख लेते हैं, पहले सेवन नंबर हम लोग देख लेते हैं, सेवन नंबर में एसाइलेशन, जब एसिटाइल ग्रुप को जोड़ेंगे तो उसको एसाइलेशन कहते हैं। अब एसिटाइल ग्रुप कैसे जुटेगा तो देख ले आप, OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटाइल ग्रुप हो गया। फिर उसी तरह देखें Cl और H, H और Cl, तो H और Cl जब एक निकल जाएगा बाहर तो ये जाके एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा ना,
तो एसिटाइल ग्रुप जुटेगा, इसी को तो एसाइलेशन कहते हैं। एसिटाइल ग्रुप का जुटना क्या कहलाएगा? एसाइलेशन। सी डबल ओ नहीं, ओ फिर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये एसाइलेशन हो गया। सेम इसी तरह एक और रिएक्शन अगर बेंजोइलेशन के तौर पे देखेंगे हम लोग, तो उसको भी यहाँ पे ओ एच कर लेते हैं प्लस। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ये बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। अब ये सी एल और एच देखें यहाँ पे गौर से, सी एल और एच निकलेगा तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ये फेनॉल का, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ये बन गया। और इस रिएक्शन को कहते हैं, दिस रिएक्शन इज नॉन एज स्कोटेन बाउमेंस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्कोटेन बाउमेंस बाउमेंस रिएक्शन। और इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? स्कोटेन बाउमेंस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं इसी में। अब वो रिएक्शन है P2S5 का 7 और ये 8 नंबर देख लेते हैं हम लोग इसी में, यहीं पे देख लेते हैं 8 नंबर रिएक्शन विद P2S5। P2S5 है, 5-5 नहीं समझिएगा, S5 है सल्फर। तो यहां पे रिएक्शन होगा फेनॉल का, देखें इधर OH और इसके जगह आ गया P2S5। P2S5 तो क्या होगा? S5 है तो ऑक्सीजन भी 5 चाहिए, तो पहले यहां पे 5 कर लेते हैं। और क्या बना लेगा वहां पे प्रोडक्ट? देखें यहां पे प्रोडक्ट बना लेगा ये भी 5 ही प्रोडक्ट बनेगा, 5 प्रोडक्ट बना। और ओ के जगह आ गया SH थायो एल्कोहल वाला थायोफेनॉल, अब प्लस P2 अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बोल रहे हैं वो समझ जाए। P2 और O5, O यहां पे आ गया, S यहां पे आ गया, O P2O5 थायोफेनॉल। तो ये हो गया आपका रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, यानी फेनॉल का ये OH ग्रुप के साथ हो गया रिएक्शन, इसको समझ जाए। पहले PCl3-5 के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ये रिएक्शन बार बार आएगा, एनिलीन में भी आएगा। और ये टेस्ट देता है एल्कोहल के साथ, टेस्ट देता है, पहले हम लोग पढ़े हैं एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये तो एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ये सबसे ईजी है। तो ये आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि इसके बाद बेंजीन रिंग वाला हम लोग देखेंगे फेनॉल के साथ, तो भी हम लोग देखेंगे उसको भी एक दो क्लास में कर लेंगे। तो आप अगर ये देखें कि इस तरह के केमिकल रिएक्शन जो पूछे जाएंगे, तो उसको प्रैक्टिस आप आसानी के साथ करें, क्योंकि बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्लास। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।